Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 11, that is nature's fury, means ki prakriti ke prakop. Now let's start our new chapter. Nature is both benevolent and malevolent, means ki nature jo hai wo bhalai karne wali bhi hai aur bahut zyada drohi bhi hai. When humans disturb the ecological balance, jab jo hai humans jo hai wo ecological balance ko disturb karte hain, it becomes devastating, usse kuch bhayanak hota hai. It can cause great loss to humans. इसका जो है सबसे ज़्यादा loss जो है humans को होता है. Read about some of the natural disasters. यहाँ पर आपको कुछ natural disasters given है, आपको उनको read करना है. That occur due to human interference in nature's work. वो जो है occur कैसे होते हैं, जब जो है humans जो है वो nature के work में कुछ दखल अंदाजी करते हैं तभी ये natural disasters आते हैं. फर्स्ट वन क्या है, अर्थक्वैक, मीन्स कि भूकंप. अर्थक्वैक ओकर व्हेन ह्यूज मासेस ऑफ रॉक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स मूव बिलो द अर्थ सरफेस. देखो अर्थक्वैक कैसे ओकर होता है, जब जो है धरती के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें और टेक्टोनिक प्लेट जो है धरती के नीचे मूव करना शुरू करती है, जिससे क्या होता है भूकंप आता है. द शिफ्टिंग ऑफ रॉक्स कोसेस सेस्मिक वेव्स लीडिंग टू ट्रीमर्स इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वैक, मीन्स की जो रॉक्स की शिफ्टिंग होती है ना वो क्या करती है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे क्या होते हैं अर्थक्वैक के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं, जिससे अर्थक्वैक के झटके बनते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, अर्थक्वैक कहा जाता है. नेक्स्ट वन क्या है, सुनामी. सुनामी इज़ ए ग्रेट हार्बर वेव, ये जो है बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती है पानी की. डैट इज़ कोज ड्यू टू एन अर्थक्वैक और वोल्केनिक इरप्शन, जो कि ना समुद्र के नीचे जब अर्थक्वैक आता है या कुछ भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोटक होता है, उससे सुनामी आती है. दीज आर वेरी पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वाटर वेव्स डैट स्वेलो द कोस्टल एरियाज. ये जो देखो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वाटर वेव्स होती है ये ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, जो कि कोस्टल एरियाज़ को स्वेलो कर लेती है, कोस्टल एरियाज़ को निगल लेती है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एवलॉन्च. इट ओकर व्हेन द ह्यूज मास ऑफ स्नो लूजन्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन. अब देखो ये कैसे होता है, हिमस्खलन कैसे होता है, जब जो है बड़ी मात्रा में स्नो जो है वो लूज़ हो जाती है और प्लेन में गिर जाती है, मीन्स कि प्लेन एरिया में वो फ्लो हो जाती है. द मूवमेंट ऑफ स्नो इज़ वेरी स्लो, जो स्नो की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. बट इन हिली एरिया में इट ब्रिंग्स मेजर डिजास्टर, ये जो है बहुत भयानक डिजास्टर लेके आती है. नेक्स्ट वन क्या है, ड्रोट. इट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, ये कैसे ओकर होती है, जब रेनफॉल नहीं होती एंड क्रिएट ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर, और जिससे क्या होता है वाटर की कमी हो जाती है, तब ड्रोट होता है, सूखा पड़ जाता है. इट इज़ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, ये जो है ड्राई वेदर का कॉन्टिन्यूस पीरियड होता है. ठीक है बच्चों, नाउ आंसर द क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. द रिचर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन, देखो जो रिचर स्केल है उससे हम किसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को माप सकते हैं, अर्थक्वैक की. आंसर इज अर्थक्वैक. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन एवरीथिंग सीम्स सबमर्ज इन वाटर, जब सब कुछ पानी में बह जाता है, इट इज़ कोल्ड फ्लड. नेक्स्ट वन इज़ अ हाई स्पीड वाइंड डैट अप्रूट्स ट्रीज एंड बिल्डिंग, देखो ये जो है हाई स्पीड वाइंड होती है जो कि क्या करती है, ट्रीज़ को और बिल्डिंग को अप्रूट कर देती है, उसको क्या कहा जाता है, टोर्नेडो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ द नेम ऑफ ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है विद द स्पीड ऑफ मोर देन 119 किलोमीटर्स पर आर, जो कि 1 आर में इसकी स्पीड कितनी होती है, 119 किलोमीटर्स तक. ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, हरिकेन. नेक्स्ट वन इज़ विच नेचर्स फरी इज़ 2004 समर्ज द इंदिरा पॉइंट इन द सी, जिसने क्या करा था 2004 में सी में इंदिरा पॉइंट को भी क्या कर दिया था, सबमर्ज कर दिया था, इसका नेम क्या है, सुनामी. ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.